नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग के बारे में तारागढ़ दुर्ग के बारे में आप सभी को पता होगा तारागढ़ के दुर्ग के नाम से दो दुर्ग हैं राजस्थान में एक है अजमेर में और दूसरा है बूंदी में तो आज अपन अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो देखिए तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था जो कि चौहान वंश का शासक था अजय राज उसके द्वारा तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में आता है देखिए दुर्गों की कई श्रेणियाँ होती है जैसे कि एक दुर्ग होता है धानवन श्रेणी में एक होता है गिरी श्रेणी में एक होता है एरण श्रेणी में एक वन श्रेणी में एक दुर्ग जल श्रेणी में तो जो दो नदियों के संगम पर होता है वो होता है आपका जलदुर्ग जो कि समतल सतह पर बना होता है वो आपका दानुन दुर्ग जो कि चारों तरफ झाड़ियों वगैरह से घिरा हुआ होता है वो आपका होता है एरण दुर्ग लेकिन ये जो आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर है ये आपका गिरी श्रेणी में है अब बात करते हैं गिरी श्रेणी तो कौन सी ये पहाड़ी पर है क्योंकि गिरी श्रेणी में कोई भी दुर्ग होता है तो वो किसी न किसी पहाड़ी या फिर पर्वत के ऊपर वो होता है जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो मेसा के पठार के ऊपर स्थित है इसके अलावा वो गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है इसका मतलब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वो आपका गिरी श्रेणी में भी आता है लेकिन जो तारागढ़ का दुर्ग है वो आपका गिरी श्रेणी का दुर्ग है तो ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है तो ये बीठली पहाड़ी के ऊपर स्थित है ठीक है अब बात करते हैं कि प्रवेश द्वार की तो देखिए तारागढ़ दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार हुआ आपका जयपोल इसी को जयपोल बोलते हैं और पृथ्वी पोल के नाम से भी आपको यह एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो तारागढ़ दुर्ग जयपोल पृथ्वी पोल या आपकी क्या है इसके प्रवेश द्वार है अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख उपनामों की तो देखिए राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित जो जिला है वो कौन सा आपका अजमेर का जिला है और बिल्कुल जैसे मानव की बॉडी है बिल्कुल बीच में अपन विधेय को मानते हैं तो कहने का मतलब है कि राजस्थान का रिधे यह आपके तारगढ़ के दुर्ग का क्या है उपनाम है राजस्थान का रिधे इसके अलावा इसी को अपन क्या बोलते हैं राजपुताना की कुंजी बोलते हैं दूसरा अरावली की जो पहाड़ियां हैं जैसे कि अरावली की पहाड़ियों के विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ अरावली की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो आपका चौड़ा होता जाता है उदयपुर के समीप पहुंचते पहुंचते लेकिन अगर अरावली का सबसे कम विस्तार आपको पूछे तो अजमेर जिले में ही है और अजमेर जिले के अंतर्गत मध्य अरावली की आपको अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो तारागढ़ की चोटी होगी और उसी तारागढ़ के चोटी के ऊपर आपका तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है इसलिए इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं क्योंकि अरावली के पहाड़ियों के अंतर्गत ही ये तारागढ़ की चोटी है और वहीं पर ये बना हुआ है इसलिए इसको अरावली का अरमान के उपनाम से भी अपन इसको जानते हैं तो राजस्थान का हृदय बोलते हैं इसको अपन इसके अलावा राजपुताने की कुंजी बोलते हैं अरावली का अरमान बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर इसको किसने कहा था विशअप हेबर ने कहा था विश्व हेबर नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था इसके अलावा ये बीठली की पहाड़ी पर है इसलिए इसको गठ बीठली के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा गठ बीठली के उपनाम की से संबंध में एक अलग भी कथन आपको देखने को मिलता है देखिए शाहजहाँ के सेनापति थे बिठलदास गोड़ तो बिठलदास गोड़ के द्वारा इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया गया था जिसके कारण इसको गठविठल के नाम से भी जाना जाता है तो अगर विठल दास गोड़ के द्वारा जब इसका दूसरी बार जीर्णोद्वार करवाया गया था तो इसका पहली बार जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उडना राजकुमार के नाम से जानते हैं उसके द्वारा इसका पहली बार जीर्णोद्धार करवाया गया था इसके अलावा तारागढ़ का जो दुर्ग है इसके प्रारंभिक नाम की बात करें तो पहले अपन इसको अजय मेरुदुर्ग के नाम से जानते थे अजय मेरुदुर्ग के नाम से जानते थे लेकिन उसके बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया या जो उड़ना राजकुमार है उन्होंने पहली बार जब इसका जीर्णोद्द्वार करवाया था और उन्होंने इसका नाम तारागढ़ रख दिया तभी से लेकर ये तारागढ़ दुर्ग के नाम से फेमस है अब बात करते हैं कि तारागढ़ के दुर्ग में और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं तो देखिए राजस्थान का प्रथम तरणताल ये कहाँ पर आपका तारागढ़ दुर्ग में है सीस खाना गुफा कहाँ पर आपकी ये भी तारागढ़ दुर्ग में है और आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण स्थानीय अथवा स्वदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए हैं तो ये भी आपके तारागढ़ दुर्ग में ही हुए हैं इसके अलावा दारा शिकोह का जन्म स्थल कौन सा है आपका तारागढ़ का दुर्ग है टोटल इसमें सत्रह बुर्ज हैं सत्रह बुर्ज हैं टोटल इसमें जिसमें आपकी घूंघट बुर्ज है वो इंपॉर्टेंट है श्रृंगार बुर्ज है इमली बुर्ज है तापी बुर्ज है ये कुछ प्रमुख बुर्ज हैं जो कि आपके तारागढ़ दुर्ग में स्थित हैं इसके अलावा सैयद हुसैन सिंडावा की दरगाह है आपकी तारागढ़ दुर्ग में है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ पर घोड़े की मज़ार स्थित है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर आपकी घोड़े की मज़ार स्थित है इसके अलावा मालदेव की पत्नी जो उमादे है वो मालदेव से रूट कर यहाँ पर आकर रहने लग गई थी इसलिए इस तारागढ़ दुर्ग को अंतर्गत ही यहाँ पर एक रूठी रानी उमादे का महल भी बना हुआ है ठीक है तो रूठी रानी उमादे का महल कहाँ पर स्थित है आपका तारागढ़ दुर्ग में है इसके अलावा कुछ प्रमुख यहाँ पर जलाशय हैं कौन कौन सी जलाशय हैं उसकी बात करते हैं तो देखिए एक है बड़ा साहब का ज़ालदरा बड़ा साहब का जादरा इसके अलावा गोल ज़ालदरा और इब्राहिम ज़ालदरा ये भी आपके कहाँ पर है तारागढ़ दुर्ग में स्थित है तो ये अपन तारागढ़ दुर्ग में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स थे वो अपन सारी बात कर चुके हैं अब एक बार फास्टली अपन इनका रिवाइज कर लेते हैं तो देखिए तारागढ़ दुर्ग का सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं तो अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था गिरी श्रेणी में आता है बिठली पहाड़ी पर यह स्थित है इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो जयपुर और पृथ्वीपुर इसके प्रवेश द्वार हैं उसके बाद में अपने उपनामों की बात की राजस्थान राजपुताना की कुंजी है रावली कारमान है राजस्थान का हृदय है राजस्थान का जिब्राल्टर इसको बीसप हेवड़ ने कहा था इसके अलावा गठ बिठली शाहजहाँ के सेनापति बिठलदास गोड ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था दूसरी बार बार जिसके कारण इसको के के नाम से जानते हैं पहली बार जो जीर्णोद्वार है वो आपका पृथ्वीराज सिसोदिया कि उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं उसके द्वारा करवाया गया था और इसी का नाम बाद में तारागढ़ रख दिया गया था इसका जो प्रारंभिक नाम था वो अजय मेरु दुर्ग था उसके बाद में यह आपके पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इसका नामकरण तारागढ़ कर दिया गया था राजस्थान का प्रथम तरणताल आपका यहाँ पर तारगढ़ दुर्ग में है शीज खाना गुफा यहाँ पर स्थित है सर्वाधिक स्थानीय अथवा स्वदेशी सव, आक्रमण भी इसी में हुए हैं दारा शिकोया का जन्म स्थल यही है टोटल सत्रह बुर्ज हैं जिसमें घुघट बुर्ज है श्रृंगार बुर्ज है, है इमली बुर्ज है तापी बुर्ज है ये कुछ प्रमुख बुर्ज हैं सैयद हुसैन शिंडावा की दरगाह यहाँ पर है राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहाँ पर घोड़े की मजार है एकमात्र दुर्ग है तारागढ़ का दुर्ग रूठी रानी उमादे का महल बना हुआ है कुछ प्रमुख जलाशय हैं जैसे कि बड़ा साहब का जालरा है गोल झारा है इब्राहिम जालरा है ये कुछ प्रमुख जालरे हैं यानी कि जलाशय हैं जो कि तारागढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलते हैं तो ये तारागढ़ दुर्ग के बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो अपन सारी बात कर चुके हैं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके इस वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल